वो एक आत्मा है। आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में बड़ा भाई, जिसको शिव बाप अपना सारा खूट ज्ञान का भंडार सौंप देते हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है या नंबर वार शक्ति है? नंबर वार शक्ति है। अगर नंबर वार होती तो गीता में क्यों कहा जाता नहीं ज्ञान सत संपवित्रम ही विद्यते। इसे दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है, ये बात गीता में नहीं आई होती। क्या सबसे जास्ती पवित्र चीज क्या है? ज्ञान है। पवित्रता की शक्ति से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। बड़े से बड़े कार्य, वो अच्छे से अच्छे हों और बुरे से बुरे कार्य हों, बुरे से बुरे कार्य भी प्योरिटी की पावर से और अच्छे से अच्छे कार्य भी प्योरिटी की पावर से। जालंधर राक्षस था, बुरे काम करने वाला था या अच्छे कार्य करने वाला था? वो जालंधर को युद्ध में जिसे ईश्वर कहा जाता है, वो ईश्वर और ईश्वर का परिवार का कोई भांति उसे नहीं हरा सका युद्ध में। क्यों नहीं हरा सका? है हाँ, क्योंकि उसकी शक्ति को अक्षुण्ण रखने वाली जो घर की धरित्री थी वृंदा, उसमें पवित्रता की पावर थी। उसकी मनबुद्धि में पति जालंधर के सिवाय और किसी के लिए रंच मात्र भी प्रेम नहीं था। जैसे हम बच्चे कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जब तक ये स्टेज वृंदा की रही तब तक जालंधर राक्षस को देवताएं तो क्या, मनुष्य तो क्या, भगवान के नाम से भगवान कहा जाने वाला अपने परिवार सहित कोई भी नहीं हरा सका। और जब वृंदा प्रभावित हो गई जालंधर के अलावा किसी दूसरे से, उसके बाद जालंधर हार गया। तो देखो दुनिया के बड़े से बड़े काम पवित्रता की पावर से होते हैं और वो पवित्रता कैसे आती है? और बाप की याद कैसे आती है? पहचान या ज्ञान कैसे आता है? पहचान माने ज्ञान, ज्ञान ज्ञानदाता से आता है। ज्ञान के भंडार का दाता एक ही है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है। इसलिए वो सत्य है।